यहाँ इन लोगों के रोम रोम में बसे हैं भगवान राम, जानिए इसके पीछे की वजह। छत्तीसगढ़ के राम नामी संप्रदाय के लिए राम का नाम उनकी संस्कृति का हिस्सा है। एक ऐसी संस्कृति जिसमें भगवान राम के नाम को कण कण में बसाने की परंपरा है। इसी परंपरा के तहत इस संप्रदाय से जुड़े लोग अपने पूरे शरीर पर राम राम का गुर्दना स्थाई टैटू बनवाते हैं, राम राम लिखे कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, घरों की दीवारों पर राम राम लिखवाते हैं। आपस में एक दूसरे का अभिवादन राम राम कहकर करते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे को राम राम के नाम से ही पुकारते भी हैं। जांजगीर चांपा के एक छोटे से गांव चाटपारा में एक दलित युवक परशुराम द्वारा 1890 के आसपास स्थापित राम नामी संप्रदाय की स्थापना को भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि अक समय में मंदिरों पर सवर्णों ने धोखे से कब्जा कर लिया और इस समाज के लोगों को भगवान राम से दूर करने की कोशिश की गई। तब से इस समाज के लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। इसी के बाद से ये परंपरा शुरू हुई। समाज के लोगों ने मंदिर जाना बंद किया और अपने शरीर के रोम रोम पर राम गुदवा लिया। गाँव के बुजुर्ग कहते हैं कि अब हमें राम से कोई कैसे दूर कर सकता है, ये तो हमारे शरीर में बस गए हैं। इस संप्रदाय में किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति दीक्षित हो सकता है। रहन सहन और बातचीत में राम नाम का अधिकतम उपयोग करने वाले राम नामियों के लिए शरीर पर राम नाम गुदवाना जरूरी है। अपने शरीर के किसी भी हिस्से में राम नाम लिखवाने वालों को राम नामी, माथे पर दो राम नाम अंकित करने वाले को शिरोमणि, पूरे माथे पर राम नाम अंकित करने वाले को सर्वांग राम नामी और शरीर के प्रत्येक हिस्से में राम नाम अंकित कराने वालों को शिख राम नामी कहा जाता है। लेकिन नई पीढ़ी इस परंपरा से दूर होती जा रही है। नई पीढ़ी सिर्फ माथे या हाथ पर एक या दो बार राम राम गुदवा कर किसी तरह अपनी परंपरा को निभा रही है। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.